हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, ये है पज़ल वाला वीडियो, मतलब डेली चेस पज़ल। और जो हमारा रेगुलर वीडियो है वो शाम को तकरीबन 8 या 9 बजे आ जाएगा। सो बेसिकली ये थी कल की पज़ल, ठीक है ना, जिसमें काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था, वो था रुक ई1। बट यहाँ से फिर गलती कर गए, यहाँ से सब लोगों ने यही सोचा है, एक मोस्ट ऑफ लोगों ने, कि रुक कैप्चर ई1 आता है, जहाँ पे आप रुक कैप्चर ई1 खेल सकते हो। और अब किंग कैप्चर, अगर मूव किंग कहीं पे मूव होता है, देन सिंपली क्वीन कैप्चर B5 आप खेल दोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आगे किसी ने आंसर नहीं दिया क्या होता है अगर रुक टू ई1 चेक, लेकिन उसमें तो रुक बीच में आ सकता था, सो देर वॉज नो इश्यू। बट दोस्तों, यहाँ पे रुक ई1 चेक के बाद किंग H2 पॉसिबल है, और ये आंसर भी काफी लोगों ने दिया है कि इनकेस ऐसा होता है तो क्या करते, तो उन्होंने वो मोस्टली स्टक हो गए यहाँ पे कि रुक कैप्चर B1। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है, यहाँ पे क्वीन कैप्चर E8, और ये जो वाइट है वो विन हो गया, ब्लैक नहीं हुआ, इट्स अ चेकमेट। ये काफ़ी लोगों ने मिस किया है, ठीक है ना। और किंग H2 के बाद और एक मूव जो है वो भी मिस किया, वो है क्वीन कैप्चर B5, सिंपली उन्होंने खेल दिया। बस दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी मूव है, रुक कैप्चर B5 और गेम इज इवन, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सो बेसिकली ये सही आंसर नहीं है, रुक ई1 चेक इज द राइट, बट किंग H1 के बाद, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि जो हमारा बिशप है, ठीक है ना, वो G2 को पॉइंट आउट कर रहा है। और उसी तरह अगर क्वीन B G6 पे जाती है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वीन जो है वो रुक पे भी अटैक कर रही है और G2 पोन पे भी अटैक कर रही है, सो चेकमेट थ्रेट है। और दूसरी ये है दोस्तों कि जो रुक ऑन B1 है, ठीक है ना, उस पर ऑलरेडी रुक ऑन जो E1 है उसका अटैक भी है। सो यहाँ पे वाइट के लिए फोर्स यही होगा कि वो क्वीन कैप्चर बिशप मारे, और उस केस में दोस्तों हम सिंपली क्वीन कैप्चर रुक मार देंगे। और ये पोजीशन देख रहे हो आप, इसमें सिंपली वाइट, सॉरी ब्लैक जो है वो एक्सचेंज अप हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, क्वीन कैप्चर B1, रुक कैप्चर B1, और ब्लैक के पास दो रुक है, वाइट के पास रुक और बिशप है, सो एंड दिस इज़ अ विनिंग पोजीशन फॉर ब्लैक, ठीक है ना। सो काफ़ी लोगों ने ये मिस किया है दोस्तों, दैट इज़ रियली क्रूशियल। किंग H2 के बाद सिंपली आप लोगों ने रुक कैप्चर B1 खेला है और ये मूव मिस कर गए। काउंटर अटैक तो आपने मिस ही कर दिया, क्वीन कैप्चर E8 एंड इट्स अ चेकमेट। एनीवेज, जो जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनका नाम आप देख रहे हो कि साइड में ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आज की पजल की ओर, वो रही आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, इसमें भी अब ब्लैक की मूव है, ठीक है ना, इट्स अ ब्लैक टू प्ले एंड विन। बट यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बोल दूँ, अगर आपको फर्स्ट मूव मिल जाती है, बट यू हैव टू शो मी द फुल वेरिएशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही ओपोनेंट खेले, वो कुछ और भी खेल सकता है, देन यू हैव टू काउंट, ठीक है, रिजनेबल वेरिएशन काउंट करना। ऐसा नहीं है फिर बोर्ड पे जो सारी मूव वो काउंट कर दो आप, बट रिजनेबल मूव्स आप काउंट करो, ठीक है ना। सो आई होप कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, और डोंट फॉरगेट दैट इट्स अ ब्लैक टू मूव, ठीक है ना, ब्लैक की मूव है। ओके, बाय।